स्वस्थ रहने के लिए शरीर को संतुलित आहार की बहुत ज़रूरत होती है। संतुलित आहार क्या है, हमें संतुलित आहार के क्या फ़ायदे हैं, ये आज हमें माया दीदी बताएंगी। नमस्ते दीदी। नमस्ते बेटा। आज इनाम मैंने इसलिए तुमको आंगनवाड़ी केंद्र में बुलाया कि आज अपन खान पीन के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा ये बताओ कि खाना अपने शरीर के लिए क्यों जरूरी है? कमजोरी महसूस होगी, ताकत आएगी, खाना खाने से ताकत आएगी, काम कर सकते हैं, कुछ भी काम अगर अपन करेंगे तो खाना खाने के बाद ही ताकत आएगी। आपने जो बोला ना वो बिल्कुल सही बोला है। आपको पर ये पता है कि अपन कैसा खाना खा सकते हैं? ये तो मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है दीदी। अच्छा ये बताओ कि अपन जो खाना खा रहे हैं उसमें अपने शरीर की सारी जरूरत पूरी होती है कि नहीं? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं दीदी। कोई बात नहीं है भाभी, अपने पास इतनी बातें सोचने का समय नहीं मिल पाता, इसलिए आपको सबको इकट्ठा किया है। हाँ दीदी हम सब तैयार हैं, आप हमें समझाइए सारी बातें सुनने के लिए, हम तैयार हैं। जो खाना खाते हैं ना उसके तीन मुख्य कार्य होते हैं, जैसे शरीर को शक्ति देना, शरीर को बनाना और बीमारी की रोकथाम करना। भोजन का पहला काम है शरीर को शक्ति देना। जो भोजन शक्ति देगा अपन खाएंगे तो अपने शरीर में ताकत रहेगी, ताकत रहेगी तो काम करने का अपना मन लगेगा, और भोजन ही नहीं खाएंगे और अपन कमजोर हो जाएंगे। भोजन का दूसरा काम है अपने शरीर को बनाना है, जैसे बढ़ती उम्र के छोटे बच्चे, किशोरी बालिका, गर्भवती माता और धात्री माताएं, और जैसे अपन गिर जाते हैं तो अपन को चोट वगैरह लग जाती, इसलिए भोजन शरीर मरम्मत करता है। तीसरा काम है शरीर को बीमारियों से बचाना। इतने सारे काम है भोजन के, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। दीदी नमस्ते। अरे चलो तुम भी आ गए, चलो आप तुमको भी मैं अच्छे से समझा देती हूँ भोजन। देखो ये किताब, आप मैं तुमको शक्ति देने वाले भोजनों के बारे में बताती हूँ, जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, आलू, कन, अरबी, गुड़, घी, तेल, जो भी अपन काम करते हैं उसमें अपन को शक्ति देने वाले भोजन की बहुत जरूरत होती है। ऐसे भोजन भी होते हैं जो अपने शरीर को बनाते हैं, जैसे जो भोजन अपने बनाने में शामिल करें तो अपने बच्चों को भी शक्ति मिलती है, शारीरिक मानसिक विकास होता है। दीदी जो शरीर को बनाते हैं ये भोजन तो हमको पता ही नहीं, हमें ये बताइए और समझाइए। हाँ मैं समझाती हूँ, जैसे दूध, मछली, मांस, अंडा। दीदी दूध में जैसे दही, मक्खन, मावा और जो भी दूध का पदार्थ बनते हैं वो खाना चाहिए। हाँ। और मांस में मटन वगैरह जैसे, और सभी प्रकार की दालें, मूंग, चौले, उड़द, मसूर, तुअर, राजमा, शरीर को बीमारी से बचाने वाले भोजनों के बारे में। जी दीदी, जैसे पपीता, केला, संतरा। देखो हमको नारंगी और पीलो फलों पे बहुत ध्यान देना चाहिए और उनका सेवन करना चाहिए। जी दीदी समझ में आ गई ना आपको सारी बातें? जी दीदी। तो वैसे ही खाना बनाना और खूब स्वस्थ रहें। जी दीदी। अपना उनावाड़ा बिंदु, हमक शरीर क ताकत देन वाड़ा, शरीर बनौने वाड़ा और बीमारी नसी बचौने वाड़ा भोजन करनु चाहिए। भोजन तीन प्रकार का होवज, ताकत देन वाड़ो, शरीर बनौने वाड़ो न बीमारी नसी बचौने वाड़ो। शरीर ख ताकत देन के लिए हमका मक्का, ज्वार, गेहूँ, सभी रंग का अनाज, तेल, घी, मक्खन, आलू, शकरकंद खानु चाहिए। शरीर का बनाने वाला भोजन जैसा कि दूध, दही, छाछ, मावो, मांस, मछली, अंडा, सभी रंग की दाल, मूंग दाल, उड़द, राजमा, चना, सोयाबीन न मूंगफली खानु चाहिए। पीड़ा ना नारंगी रंग का फल जैसा कि आम, पपीतो, संतरा, नींबू, केला, जाम,
हरी पत्तादार सब्जी जैसा कि पालक, मेथी, चना भाजी, साग, सरसों, कद्दू, भिंडी, गोभी, तिल भाजी, चौरठिया, गिलकी खानु चाहिए।